भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा कि मुंबई राजस्थानी और गुजरातियों की वजह से आर्थिक राजधानी है, उन्हें निकाल दिया तो क्या बचेगा। अब इस पर विरोध के सुर उठ रहे हैं तथा तत्काल माफी की मांग हो रही है। अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को मुंबई से बाहर कर दिया जाए तो मुंबई के पास क्या बचेगा, मुंबई कैसे रहेगी आर्थिक राजधानी। ये बयान राज्यपाल कोश्यारी ने दिया है। इसको लेकर राज्यपाल की आलोचना शुरू हो गई है। एनसीपी विधायक अमोल मितकारी ने ये बयान ट्वीट कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से महाराष्ट्र से माफ़ी मांगने की मांग की। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राज्यपाल के इस बयान की आलोचना की है। वो झाड़ी क्या है, वो पहाड़ क्या है, नदी क्या है, और अब ये मराठी आदमी क्या है, महाराष्ट्र का घोर अपमान। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा है कि 50 खोके लेने वाले अब किस झाड़ियों और पहाड़ों में छुपे हुए हैं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।